गाजा में भीषण युद्ध के बीच हमास के नंबर एक नेता इस्माइल हानिया की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। खास बात है कि ईरानी सरजमी पर ही हमास नेता की हत्या काफी चौंका देने वाली है। हमास और ईरान ने इस हत्या का आरोप इसराइल पर लगाया है। हालांकि इसराइल ने इस मामले पर अभी तक पूरी तरह से खामोशी बना रखी है। इसराइली बलों का सारा जोर गाजा में हमास लड़ाकों पर केंद्रित है। गाजा के अलग अलग हिस्सों में भयंकर युद्ध बदस्तूर जारी है। तो वहीं हमास के सुप्रीम लीडर की हत्या से मिडिल ईस्ट के प्रतिरोधी समूह प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। वहीं उनके समर्थकों में भी इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर खासा रोष दिख रहा है। इसकी वानगी 31 जुलाई 2024 को ही हत्या वाले दिन देखने को मिली। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ की हत्या की घोर निंदा की। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने इसराइल विरोधी नारेबाजी की। स्ट्राइक में वेस्ट बैंक के सभी शहर और कस्बे शामिल हुए, जिनमें जेनिन, रामल्ला, हेब्रोन, कलकिल्या, बेतलेहम और यरूशलम का पूरा शहर शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हानिया की हत्या से निश्चित तौर पर हालात बिगड़ेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू यही चाहते हैं। वो जानते हैं कि इस युद्ध का अंत उनके राजनीतिक करियर का अंत है। साथ ही ये भी ऐलान किया कि हानिया की हत्या का इस्लामी आंदोलन पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आंदोलन इसराइल पर और तेजी से हावी होगा और उसे हरा कर ही दम लेगा। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के खिलाफ नारों के बीच रामल्ला और नबलस जैसे शहरों में मार्च करते हुए फिलिस्तीनी झंडे और हमास के बैनर लहराए। वेस्ट बैंक की कई मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए हानिया की मौत पर शोक व्यक्त किया गया। इजरायली बलों ने भी पुख्ता तैयारियों के बीच पहले से ही हेब्रोन शहर के एंट्री गेट को बंद कर दिया था। दरअसल गाजा में जारी हमास इसराइल युद्ध का नतीजा अब तक नहीं निकला है। न ही इसराइल अब तक हमास को जड़ से खत्म कर पाया है और न ही हमास गाजा के इजरायली बलों को पीछे खदेड़ पाया है। अभी तक दोनों पक्षों की ओर से जोरदार भिड़ंत जारी है। इससे गाजा में रहने वाले खासतौर से फिलिस्तीनी समर्थक और इसराइल विरोधी लोग लगातार हमास का समर्थन करते आ रहे हैं। यही वजह है कि हमास के बड़े नेता की हत्या की खबर सुनकर वेस्ट बैंक के लोगों ने शांति मार्च निकालकर अपना समर्थन जताया। फिलिस्तीनी गुटों ने वेस्ट बैंक में एक दिन के विरोध और आम हड़ताल का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमास कोई नया नहीं है, उनके पास बहुत सारे नेता हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा भी नेता है। हानिया की हत्या युद्ध का हिस्सा थी। युद्ध को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का फेलियर और इसराइल के अपराध ही असली जिम्मेदार है। ये कायरतापूर्ण हत्या हमारे लोगों की विरोध करने और सहने की इच्छा को नहीं तोड़ेगी, बल्कि आजादी के लिए हमारे अधिकारों, संघर्ष और प्रतिरोध को जारी रखने के हमारे संकल्प को और बढ़ाएगी। बहरहाल इस्माइल हानिया की संदिग्ध हालातों में हत्या से फिलिस्तीनी प्रतिरोध मजबूत होता नजर आ रहा है। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमास के प्रतिद्वंदी रहे फतेह गुट ने भी हानिया की हत्याकांड पर दुख जताया है। फतेह गुट का नेतृत्व करने वाले फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी हत्या की निंदा की है। उन्होंने इसे जघन्य और कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया है।